मॉर्निंग, वेलकम टू संगीता हीलिंग टेंपल्स। और हम लोग करने वाले हैं लव रीडिंग स्पेशली फॉर दिस ईयर 2021 फॉर ऑल द ज़ोडियक पीपल। तो सब लोगों के लिए शुरुआत करते हैं। और पिछले साल 2020 में बहुत लोग मायूस हुए थे, लोगों के ब्रोकन अफेयर्स, डिप्रेशन, ये सब था। दिस ईयर होपफुली शुड बी गुड फॉर अस। कोरोना इज बिडिंग टाटा बाय बाय एंड लेट्स बिगिन विद द एरीज पीपल। तो एरीज वालों का लव लाइफ का देखते हैं कि क्या है उनके स्टोर में। आई एम रियली विशिंग ऑल द बेस्ट टू द एरीज पीपल। सो एरीज, या जिन लोगों को वेट कर रहे हैं शादी की, उनकी शादी जल्द से जल्द होने वाली है। अगर आपको लड़का पसंद नहीं आया तो हो जाएगा, तो आप एक्शंस लें। और अगर आप लोग लड़का देखना, लड़की देखना शुरू कर दें, शुभ मुहूर्त आ गया है, और आपका कोई फ्रेंड या दोस्त भी आपको रिकमेंड कर सकता है। एरीज पीपल, आप लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ है, आप लोगों का शादी जल्द से जल्द हो जाएगा। और जो लोग शादीशुदा हैं और नए घर में मूव करना चाहते हैं अपने बिलावट के साथ, अपने स्पाउस के साथ, आप नए घर में जा रहे हैं और आपकी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। तो जैसा कि मैं चाह रही थी, 2021 इज़ वेरी गुड फॉर द एरीज पीपल। लव लाइफ बहुत अच्छा है इस साल। मौका ना चूकें और ज़्यादा नखरे ना दिखाएं लव लाइफ में, आपको अच्छा बंदा मिलने वाला है, ट्रस्ट है। ठीक है जी, अब हम करते हैं टॉरस के लिए। टॉरस लोगों की लव लाइफ कैसे जाने वाली है। टॉरस पीपल थोड़े से बुल हेडेड होते हैं। तो टॉरस पीपल, ओ वंडरफुल न्यूज़, टॉरस पीपल आप लोगों का भी लव लाइफ बहुत अच्छा जाने वाला है। थ्री ऑफ वैंड्स दिखा रहा है। थोड़ा लड़ाई झगड़ा कम करें, आर्ग्यूमेंट्स कम करें, आपके लिए अच्छा है। जो लोग मैरिड हैं उनकी लाइफ अच्छी है, पर जो लोग सिंगल हैं उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, थोड़ा ध्यान दें। और जिन लोगों की नहीं हुई है शादी, या जिन लोगों की, जो लोग सिंगल हैं बिल्कुल ही, उनकी लाइफ में लव आने वाला है टॉरस लोगों के लिए। तो अब बात करते हैं, क्योंकि सब लोगों को हर चीज़ नहीं, एक जैसी रीडिंग्स नहीं होती हैं, तो आप लोगों को पर्सनल रीडिंग्स करवानी पड़ेंगी। तो टॉरस के बाद आते हैं जेमिनाई लोगों के पे। जेमिनाई लोगों का लव लाइफ कैसा रहेगा। जेमिनाई पीपल, जेमिनाई विमेन आर वेरी डिटरमिन्ड। तो जेमिनाई विमेन, जिस बंदे को आप चाहते हो वो आपको मिल के ही रहेगा। आपको थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा मस्का पॉलिश लगाना पड़ेगा, बट डेफिनेटली जेमिनाई वुमेन, यू विल हैव द पर्सन यू वांट इन योर लाइफ। बंदा आपके कदमों में गिर के रहेगा। और यही बात जेमिनाई मैन के लिए है, जिसको आप चाहते हैं वो आपकी लाइफ में रहेगा। डोंट गिव अप, गिव अप नहीं करने का है जेमिनाई लोगों। तो आपकी लाइफ में आपके हिसाब से आपका बंदा आने को तैयार है। आप थोड़ा सा प्रार्थना करें शिव जी को, मंडे के टाइम मॉर्निंग में जाके जल चढ़ाएं, जो लोग चाहते हैं, तो जल्दी हो जाएगा। अब हम आते हैं कैंसर वाले लोगों के लिए। कैंसर वालों की लव लाइफ कैसी रहने वाली है। तो कैंसेरियंस, आप लोगों की तो शादी बिल्कुल पक्की है इस साल, बस थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा कम करें, थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट्स को रोकें, और आप लोगों का जो है अच्छा रिलेशनशिप रहेगा, और आपका डोमिनेशन रहेगा रिलेशनशिप में। आप डोमिनेट करोगे इस साल रिलेशनशिप को, और शादी जिनकी नहीं हुई है उनकी इस साल पक्का हो जाएगी। तो वंडरफुल। तो लियो पीपल, अब लियो पीपल पे आते हैं कि आपका लव लाइफ कैसा रहेगा। लियोस, लियो आप लोगों के लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, आप अपने रिलेशनशिप से परेशान हो, आप चाहते हो रिलेशनशिप अच्छा हो बट नहीं हो रहा। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए। आपको बहुत गिव करना पड़ेगा, क्योंकि आपको थोड़ा पेशेंस रखनी पड़ेगी, और मोस्ट प्रोबेबली आपकी बहुत मेहनत करने के बाद भी ये रिलेशनशिप मोस्ट प्रोबेबली ना सुधरे, एंड यू माइट बी लेफ्ट अलोन। बट इट्स बेटर टू बी आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप दैट इज़ टॉक्सिक। तो टॉक्सिक रिलेशनशिप है वो आपको बहुत तंग करेगा, तो इसलिए आप निकल जाओ। तो
डोंट वरी, आप निकल जाओ। अब हम वर्गोस पे बात करते हैं, वर्गोस का रिलेशनशिप कैसा रहेगा, वर्गोस का लव लाइफ कैसा रहेगा। वर्गोस, हाउ यू आर गोइंग टू बी दिस ईयर वर्गोस। वर्गो वेमेन आर फुल ऑफ लव, और जो आपकी लविंग नेचर है उसकी वजह से आपका रिलेशनशिप चल रहा है बहुत अच्छा। जिन लोग की शादी नहीं हुई है उनकी लाइफ में, या जिनको रिलेशनशिप नहीं मिला है उनकी लाइफ में नया बंदा आने वाला है, बंदी आने वाली है, तो ये मेल और फीमेल दोनों के लिए अप्लाई करता है। तो आप लोगों की लाइफ में वर्गोस, नई रिलेशनशिप की शुरुआत होने वाली है, नथिंग टू वरी। और ये बहुत ही प्यारा और सुकून वाला रिलेशनशिप होगा जहाँ पे आपके अंदर टुगेदरनेस होगी। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि बंदा कैसा होगा, बंदा बहुत लविंग होगा। अब हम बात करते हैं लिब्रंस की, लिब्रा लोगों के लिए लिब्रा का कैसा रहेगा। लिब्रंस, आप लिब्रंस का कार्ड जो है कि आप बहुत ज़्यादा शार्प टंग्ड हो रहे हैं, तो प्लीज़ अपने बिलावर्ड से या अपने स्पाउस के साथ ज़्यादा झगड़ा ना करें। आपको थोड़ा प्रेयर्स करना चाहिए, थोड़ा मेडिटेशन करना चाहिए, थोड़ा भगवान का नाम लेना चाहिए ताकि आपका रिलेशनशिप अच्छा चले। जिन लोगों की शादी नहीं है हुई है उन लोगों को भी प्रेयर्स करना चाहिए और मंदिर जाएं, 21 दिन लगातार मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, या जो भी आपका रिलीजन है उसको फॉलो करें। 21 दिन से 40 दिन रोज़ आपको प्रेयर करनी है टू मैनिफेस्ट अ गुड लाइफ। और आपको थोड़ा सा शार्प टंग कम होना है। तो स्कॉर्पियोज पे आते हैं, स्कॉर्पियोज की लव लाइफ कैसी रहेगी। स्कॉर्पियोज, जिन लोगों की शादी रुकी है वो शादी होने वाली है, और आपका बहुत अच्छा सेलिब्रेशन रहेगा दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, आपका इंजॉयमेंट रहेगा अपने बिलावट के साथ। जो भी 2020 में पार्टिंग वगैरह दोस्तों के साथ गैदरिंग नहीं हो पाई है, इस साल आपका बहुत अच्छा आउटिंग्स रहेंगी अपने बिलावट के साथ, अंडरस्टैंडिंग रहेगा, हारमनी रहेगा। जो आपकी कंप्लेंट्स थी कि वो उन्होंने घुमाया नहीं फिराया नहीं, वो दूर हो जाएंगी। तो इस साल आपका इंजॉयमेंट का पूरा पूरा इरादा है जो पूरा होगा। अब हम सेजिटेरियस पे आते हैं। सेजिटेरियस, सेजिटेरियस यू हैव ए वेरी हैप्पी कंटेंट लाइफ, डोंट वरी। और आप लोग चाहें तो थर्ड चाइल्ड भी कंसीव कर सकते हैं सेजिटेरियस कपल्स। आपका लाइफ इजी है, स्मूथ है, 21 इंजॉय करिए। आपका शायद जिनका हस्बैंड बाहर रह रहे हैं वो जो हैं घर पे इंजॉय करेंगे बच्चों के साथ, तो बच्चों के साथ ज़्यादा इंजॉयमेंट आपका होगा। तो जो लोग कंसीव करना चाहते हैं वो लोग कंसीव भी कर पाएंगे। तो आप लोगों का जो है लाइफ ठीक जा रहा है 2021। अब हम कैप्रिकॉर्न पे आते हैं, कैप्रिकॉर्न्स का कैसा रहेगा ये साल। तो कैप्रिकॉर्न्स, आपका रिलेशनशिप बनने वाला है, और जिनका बन चुका है वो अच्छा रहेगा। एक कंटेंट और हैप्पी फैमिली में आप रहेंगे जो लोग शादीशुदा हैं, और आप इंजॉय करेंगे, तो नथिंग टू वरी। अब एक्वेरियंस के ऊपर आते हैं, एक्वेरियंस का कैसा रहेगा लव लाइफ, एक्वेरियंस का देख लेते हैं कि एक्वेरियंस का लव लाइफ 2021 होपफुली इट्स ब्यूटिफुल फॉर देम। आपका एस्पिरेशंस मूव, लेट्स सी। एक्वेरियंस, आप लोग ज़्यादातर आपका टाइम इमोशनल कम होगा, काम में आप लोग ज़्यादा ध्यान देंगे। आप लोग जो हैं थोड़ा सा लवी डवी रोमांटिक कम होंगे इस साल, उसके लिए वेट करना पड़ेगा आपको रोमांस और लव के लिए। पैसा ज़रूर आएगा आपके पास क्योंकि आप बहुत काम करेंगे, रोमांस की कमी रहेगी बट काम और पैसा दोनों बहुत आएगा। अब हम पाइसिस की बात करते हैं, पाइसिस पीपल कैसा रहेगा आपका लव लाइफ, आपका सोलमेट, आपका लव, आपका ट्विन फ्लेम कह सकते हैं। तो कैसा है आपका ट्विन फ्लेम लव लाइफ। यू आर वेरी डिसअपॉइंटेड, कोई आपका रिलेशनशिप टूटा है। तो पाइसिस पीपल, आपका टाइम इतना अच्छा नहीं चल रहा है लव लाइफ, आप बहुत चाइल्डिश हैं, इमेच्योर हैं,
एंड दिस ईयर इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग. लव लाइफ बहुत सारे कार्ड्स बहुत ख़राब आ रहे हैं आपके. आई एम सॉरी टू से बट लव लाइफ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है पाइसेंस का. तो इस साल लव लाइफ को छोड़ दें, मेडिटेशन करें, रिलैक्स करें एंड लेट द पर्सन कम इन. आप चाहें तो रोज़ क्वार्ट्ज से मैनिफेस्ट कर सकते हैं या जो लव लाइफ मैनिफेस्टेशन कोर्स है वो मेरा करें. और विश यू ऑल द बेस्ट, वंडरफुल, विश यू हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन. और फेब्रवरी इज़ द सीज़न ऑफ लव, यू हैव ग्रेट फन. और मुझे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और क्वेरीज हो तो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आई विल रिप्लाई. थैंक यू.